यहाँ पे महिपाल टंडा का विरोध करने आए और हमने चेतावनी दे रखी है बीजेपी जेजेपी का कोई भी जींद में नहीं एंट्री, लेकिन फिर भी प्रशासन हमारे पर हर बार धोखा करने लग रहा है और जब हमने इनका इतना विरोध करने लग रहा है फिर भी यहाँ और आज आखिरी बार चेतावनी, अगर ये नहीं माने तो ऊपर को चढ़कर लठा गला लेवांगे, जो पंजाब में हुआ था वो इस बीजेपी वाला का विरोध करेंगे और डटका कराएंगे, क्योंकि मामी इतने परेशान हो लिए, माम अपने काम धंधे टोला पे बैठा के मामी इनका विरोध करा, आखिर हमारी नस्ल फसल की लड़ाई खत्म, मामी इनके मुद्दे बन करा लिए माम सिर्फ, और मैं प्रशासन से भी चेतावना दूं या तो इन्हें कहले भी यहाँ पर ना करे और इस बार ऐसा काम करते हैं मैं पंजाब की डाड़ी ने मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे आने वाली टीम में। करनाल में गए थे आप, करनाल में अभी तक तो कोई डिसीजन नहीं हुआ, कल अपनी मीटिंग है जो अपने संयुक्त किसान मोर्चा के है वहाँ पर आखिरी डिसीजन जो होगा, और हम संयुक्त किसान मोर्चा तब यह कल भी कोई आर पार की लड़ाई बोल दो, क्योंकि हम बहुत छिक लिए कदे करनाल कदे टुआना कदे सार और आखिरी लड़ाई कर लियो, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा वाले तो मैं ये अपील करना ना तो हम भी राजनीति करो, अगर मामा अपनी असली पाएंगे नहीं जितने भी मोर्चा वाले है अगर ये राजनीति करते हो गए तो हम इनका भी पत्ता साफ कर देंगे, क्योंकि जितने भी मेरे युवा मेरे जितनी लड़के भी जो अपने पढ़ाई लिखाई ने भी छोड़कर मारो पर साथ साथ केस लग रहे और फिर भी हम पीछे नहीं हट रहे, अगर वो किसी चाल मार गलत चाल गए तो ये देख लिया उनका भी पकड़ तैर जाएंगे मामा आखिर में। भाई भाई एक मिनट, ये जो प्रशासन हम रोड रोकते हैं जब तो मुकदमा करते हैं, अगर प्रशासन रोड रोकता है इन पर मुकदमा क्यों नहीं होता भाई, इनमें भी मुकदमा होना चाहिए एसपी वे डीसी पे, ठीक है ना, इन पर प्रशासन पर मुकदमा होना चाहिए और नहीं आकर रास्ता रोकेंगे नहीं प्रशासन नहीं आएगा भाई, वहाँ गाड़ी फूक दें वहाँ। करनाल में गए थे? हाँ गए थे भाई, करनाल में भाई हमारी शौचालय बैठे हैं वहाँ ओड बैठे हैं करेला के, हमने रोक दिया है संयुक्त किसान मोर्चा, हमारी मीटिंग चालू है, धरना हमारा लागू है, हमारे वोटरों में भी है टोलों में भी है और विरोध भी करेंगे हम, और प्रशासन को या तो जींद के अंदर घुसने का ना कोशिश करे नहीं आर पार का मूड वहाँ भाई किसान। आज आज क्या करने आए आप? यहाँ महिपाल टंडा का विरोध करने आए हैं भाई, अपनी जगह छोड़ कर ना रेडा जींद की धरती ने लाल करवाना रहा हो, और मैं उसने बताना चाहूँ जींद की धरती लाल नहीं होया करती, नाक रगड़वा का जान दिया करे, एडा शेर बसा है शेर और शेर कदे हारे नहीं करते जीते करे, उसने दो घंटे हो गए ये किसानों ने भी अपना खूंटा काट रखा है और वो भीतर लुका बैठा ऐसा माँ का लाल तो है, बाहर आकर अपने किसानों तनु कह दे भाई मैं तारे साथ हूँ और माफी मांगू मैं दोबारा जींद की धरती पर नहीं आऊंगा, इतना तारा आंदोलन चल रहा है तो हम जान देंगे, वरना भाई किसान भी खून भी गर्म हो रहा है और वह तो भीतर बैठे हैं और उसने शर्म को नहीं आंदी रहा है, 90-90 साल के मेरे चाचे तो अभी धरती पे रोड पे गर्मी में और बारिश में खड़े हैं भूखे तिसाए खड़े हैं और वो भीतर बैठा बिस्लैरी का पानी पीवा, शर्म की बात है, और अपना अपने किसानों के साथ बताओ, इतनी नीच सरकार हमने देखने में नहीं आई भाई, जितना गंदा पानी बीजेपी सरकार ने मचा रखा है ना कहीं नहीं मचा रखा कहीं भी, और वह चाव है भाई कहीं ना। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।